अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा है और आप अपनी जिंदगी से निराश हो चुके हैं, तो आज का यह वीडियो आपके जीवन की सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगी। आज मैं आपको 5 ऐसी ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियां सुनाऊंगी जिनको सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी और आपकी जिंदगी में आज से ही आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे निकलने लगेंगी। ये सभी प्रेरक कहानियां आपको हिम्मत देगी और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए पहली कहानी सुनते हैं। यह कहानी है एक आदमी और एक गधे की। इस कहानी को आप ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि यह छोटी सी कहानी आपकी सोच को बदल देगी। एक आदमी जंगल के रास्ते कहीं जा रहा होता है। उसके साथ में अपना एक गधा भी होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह गधा एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। वह गधा उस गड्ढे में से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन काफी प्रयासों के बाद वह गधा बाहर निकलने में असमर्थ रहता है। उस आदमी ने भी अपने गधे को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए काफी कोशिश किया, लेकिन वह आदमी भी अपने गधे को गड्ढे से निकालने में असमर्थ रहा और वह आखिर में हार मानकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब यह गधा बाहर नहीं निकल सकता है तो क्यों ना मुझे इस गधे को यहीं पर दफन कर देना चाहिए ताकि कोई जानवर इसको खा न ले। यह सोचकर वह आदमी पास ही पड़े मिट्टी के ढेर से उस गड्ढे में डालने लगता है। लेकिन कमाल की बात तो ये होती है कि गधा दफन होने की बजाय मिट्टी के सहारे ऊपर ऊपर आता है, यानी धीरे धीरे मिट्टी की वजह से वो गड्ढा भरता रहा और वो गधा ऊपर आता रहा। दोस्तों, एक वक्त उस आदमी ने हार मानकर और यह सोचकर उस गधे को दफनाने का निश्चय किया कि उस गधे को बचाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो आदमी उस गधे को दफन कर रहा था, उसी तरीके की वजह से उस गधे की जिंदगी बच गई। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ऐसा वक्त बार बार आता है जहां हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में ऐसी मुश्किल है जिसका कोई हल नहीं है। लेकिन सच्चाई तो यह है, ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है कि जिसका कोई हल नहीं है, यानी हर मुश्किल का हल है। दोस्तों, आपकी बुद्धि से बड़ा कोई भी हथियार नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे, तो चलिए दूसरी कहानी के माध्यम से हम यह बात समझते हैं। एक बुजुर्ग आदमी ट्रेन से कहीं जा रहे थे। एक एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो उस बुजुर्ग वाले डिब्बे में 4-5 लड़के चढ़ गए थे। उस सारे लड़के दिखने में शरारती नजर आ रहे थे। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से कुछ दूर आगे चली, उनमें से एक लड़के ने ट्रेन की चैन खींच दी, जिसके कारण ट्रेन वहीं पर रुक गई। थोड़ी देर बाद वहां पर एक टिकट कलेक्टर और एक पुलिस वाला आ गया। उस टिकट कलेक्टर ने सभी से पूछा तो उन शरारती लड़कों ने उस बुजुर्ग आदमी का नाम लगा दिया और बोले, इन्होंने ही ट्रेन की चैन खींची है। यह सब सुनकर वह बुजुर्ग आदमी परेशान हो गया और सोचने लगा कि मैंने इन लड़कों का क्या बिगाड़ा था जो इन्होंने मुझे इस मुसीबत में फंसा दिया। लेकिन वह बुजुर्ग आदमी बड़ा समझदार था, इसीलिए उसने धैर्य से काम लिया और शांत रहा। तभी उस टिकट कलेक्टर ने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा कि आपने ट्रेन की चैन क्यों खींची। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, साहब, इन 5 लड़कों ने मिलकर मेरे 1,000 रुपए छीन लिए हैं, इसलिए मैंने सहायता के लिए चैन को खींचा। इतना सुनकर वो 5 लड़के सन्न रह गए। जब वो लड़के ट्रेन में चढ़े थे तो उस बूढ़े आदमी ने देख लिया था कि उनके जेब में 1,000 रुपए रखे हुए हैं। बूढ़े आदमी ने टिकट कलेक्टर से कहा कि मेरे 1,000 रुपए इस लड़के के पास हैं। तो उस टिकट कलेक्टर ने उस बूढ़े आदमी को 1,000 रुपए दिलाए और उन 5 लड़कों को ट्रेन से उतार दिया। कहानी से सीख। दोस्तों, आपके साथ चाहे कितनी ही विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कोई आपको कितना ही बुरा क्यों ना फंसा दे, अगर आप अपने शांत दिमाग से और धैर्य के साथ बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो आप उस मुसीबत से तुरंत निकल सकते हैं। दोस्तों, तीसरी जो कहानी है यह आपकी सोचने के तरीके को बदल कर रख देगी। एक शहर में एक मशहूर चित्रकार रहता था। वह बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर बनाता था। ऐसे ही उसने एक दिन बहुत ही अच्छी तस्वीर बनाई और उसे अपने शहर के चौराहे पर लटका दिया और नीचे लिख दिया कि जिस भी किसी को इस तस्वीर में कोई कमी नजर आए तो वह वहां निशान लगा दे। थोड़ी देर बाद जब उस चित्रकार ने अपनी तस्वीर देखी तो उसने देखा उसकी सारी तस्वीर निशानों से खराब हो चुकी थी। यह सब देखकर वह चित्रकार बहुत दुखी हुआ। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और ऐसे ही वह दुखी मन से बैठा हुआ था। तभी उसका एक दोस्त वहां से गुजर रहा था तो उसने उस चित्रकार से दुखी होने का कारण पूछा तो उस चित्रकार ने उसे सारी घटना बताई। उस दोस्त ने कहा,
एक काम करो, कल दूसरी तस्वीर बनाना और उसके नीचे लिखना कि जिस किसी को इस तस्वीर में जहां कहीं भी कोई कमी नजर आए वो उसे सही कर दे। अगले दिन उस चित्रकार ने ऐसा ही किया और शाम को जब उसने उस तस्वीर को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि किसी ने भी उस तस्वीर पर कुछ नहीं किया। अब वह इस संसार की रीति को समझ चुका था, मतलब किसी की कमी निकलना, निंदा करना, बुराई करना आसान है, लेकिन उन कमियों को दूर करना कठिन होता है। यही लाइफ है दोस्तों, हमें अपनी अच्छी आदतों को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए इस बात को इस चौथी कहानी से समझते हैं। एक बार एक आदमी था, उसकी एक आदत यह थी कि वह रोजाना रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को नमस्कार करता था, लेकिन एक आदमी उसके नमस्कार का जवाब गाली देकर करता था। एक दिन उस आदमी से एक व्यक्ति ने पूछा, वह आदमी तुम्हें रोज गाली देता है, तुम्हें बुरा भला कहता है, फिर भी तुम उसको नमस्कार क्यों करते हो? उस नेक आदमी ने कहा, क्योंकि जब वह मेरे लिए अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता है तो फिर मैं उसके लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? दोस्तों, हमें हमेशा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों की बातों पर नहीं। ये जो पांचवी कहानी है बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है, तो चलिए सुनते हैं। एक बार कुछ मेंढक जंगल के रास्ते से कहीं पर कर रहे थे, तभी चलते चलते उनमें से दो मेंढक एक गड्ढे में गिर गए और वह गड्ढा बहुत गहरा था। उस गड्ढे में से उनका निकलना बहुत मुश्किल था। तभी उस गड्ढे के ऊपर खड़े मेंढक बोलने लगे, यह गड्ढा बहुत गहरा है, अब तुम दोनों इस गड्ढे में से निकल नहीं सकते हो, और तुम दोनों इस गड्ढे में से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। उन दोनों मेंढकों ने शायद ऊपर खड़े मेंढकों की बात नहीं सुनी और वो दोनों गड्ढे से निकलने के लिए लगातार कोशिश करते रहे। बाहर खड़े मेंढक सिर्फ यही बोल रहे थे कि तुम बेकार ही कोशिश कर रहे हो, तुम दोनों अब बाहर नहीं निकल सकते हो, तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए। उन दोनों मेंढकों में से एक मेंढक ने उन सभी की बात सुन ली, कोशिश करना छोड़कर एक जगह निराश होकर बैठ गया। वहीं दूसरे मेंढक ने अपनी कोशिश जारी रखी और उछलता रहा, मतलब अपना प्रयास जारी रखा। जो मेंढक बाहर खड़े थे वो अभी भी लगातार बोल रहे थे कि तुम बेवजह ही परेशान हो रहे हो, तुम इस गड्ढे से निकल ही नहीं सकते हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेंढक किसी की बात नहीं सुन रहा था और लगातार निकलने की कोशिश कर रहा था, और वह मेंढक आखिर काफी कोशिशों के बाद उस गड्ढे से बाहर निकल गया। दूसरे मेंढक जो गड्ढे के बाहर खड़े हुए थे उन्होंने कहा, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? तो उस मेंढक ने इशारा करके बताया कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन सकता है, क्योंकि मैं बहरा हूं, इसलिए मैंने आप सभी को नहीं सुना, बल्कि मैं तो समझ रहा था कि आप सभी मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। कहानी से सीख। दोस्तों, जब भी हम लोग कुछ बोलते हैं तो उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव बोले। दूसरा यह कि लोग चाहे कुछ भी बोले, आप अपने आप पर भरोसा रखें और अपने काम के प्रति पॉजिटिव रहे, क्योंकि दोस्तों, अपने ऊपर विश्वास, मेहनत और पॉजिटिव सोच से ही हमें कामयाबी मिलती है। एक साधु नदी के किनारे बैठकर बहती हुई नदी को देख रहा था, तभी एक आदमी ने उनसे पूछा, बाबा आप क्या देख रहे हो? तो उस साधु ने कहा कि बेटा, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि एक बार यह पूरी नदी बह जाए तो फिर मैं इसे पार करूँ। उस साधु की बात को सुनकर वह आदमी बोला, बाबा आप यह क्या बोल रहे हो? पूरी नदी बहने के इंतजार में तो आप कभी भी नदी को पार नहीं कर सकते हो। उस साधु ने उस आदमी से कहा, बेटा यही बात तो मैं तुम लोगों को समझना चाहता हूँ। जैसे तुम लोग कहते रहते हो, एक बार जीवन की जिम्मेदारियाँ पूरी हो जाएं, तो फिर मैं मौज करूँ, मजे में रहूँ, आराम से रहूँ आदि। जिस प्रकार नदी का जल कभी खत्म नहीं होगा, हमें नदी के जल के ऊपर से ही रास्ता बनाकर जाना है। इसी प्रकार हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारियाँ कभी खत्म नहीं होंगी। कहानी से सीख। जब तक यह हमारा जीवन है, तब तक हम लोग हमारी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। यही जीवन का अटल सत्य है। एक साधु ने एक दीवार पर एक सफेद रंग का बड़ा सा पेपर लगाया और काले रंग के मार्कर से उस पर एक डॉट लगा दिया और फिर सब लोगों से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सब लोग एक स्वर में बोले, काला डॉट। तब वह साधु बोला, कमाल है, इतना बड़ा सफेद पेपर नजर नहीं आ रहा है और छोटा सा काला डॉट नजर आ गया। उस साधु ने आगे कहा, यही हाल आज तुम सभी लोगों का है। तुम्हें किसी व्यक्ति की सारी जिंदगी की अच्छाई नजर नहीं आती, मगर उसकी अनजानी गलती को राय का पहाड़ बताकर नीचा दिखाना आ गया।